एवरीवन, तेलंगाना में जो 16,000 टीचर्स से ज़्यादा की भर्ती जो आई है, जिसमें पीआरटी टीजीटी दोनों के पद हैं, आप में से बहुत सारे लोग कल कमेंट में लिख रहे थे कि सर क्या 10th जो है वो सिर्फ तेलंगाना से होनी चाहिए, इज इट मैंडेटरी और नॉट। सी यार देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तेलंगाना से आपकी 10th होनी चाहिए। इक्विवेलेंट होनी चाहिए आपके तेलंगाना बोर्ड की, या रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए तेलंगाना बोर्ड से। एक्चुअली रिकग्नाइज या फिर इक्विवेलेंट, ये दोनों एक वर्ड हैं। रिकग्नाइज का मतलब है कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक्स वाई जेड, मतलब अगर मान के चलिए कोई बोर्ड है, कोई ओपन बोर्ड होता है, कुछ नॉर्मल बोर्ड होते हैं, तो ओपन बोर्ड भी रिकग्नाइज किया जाता है एक जनरल बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर हमने तो CBSE से किया है, तो इसका मतलब वो रिकग्नाइज नहीं है क्या? जो चीज़ सेंटर ने रिकग्नाइज कर दी, स्टेट उसको रिकग्नाइज ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जिसने 10th कहीं से भी की, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी 10th की है, आप लोग एलिजिबल हैं। हाँ देखो, उड़ीसा का एक केस आया था, आज उड़ीसा की एक भर्ती आई है। उड़ीसा ने क्या किया, उड़ीसा ने कहा है कि यार मतलब आपने 10th चाहे कहीं भी की हो, लेकिन बस उड़िया उसमें होनी चाहिए, वो वैलिड पॉइंट है। लेकिन तेलंगाना में जो वैकेंसी आई 16,000, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि तेलुगु मस्ट है। इवन एट तेलुगु टीचर्स के अलग भर्ती है, हिंदी टीचर्स के अलग भर्ती है, संस्कृत के अलग भर्ती है। सो वो जो वैकेंसी है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए है। उन्होंने कहीं भी ये नहीं मेंशन किया है कि हम लोगों को आपकी मतलब डोमिसाइल चाहिए। नोटिफिकेशन फॉर ऑल ओवर द इंडिया है, आप लोग भरिए फॉर्म। ठीक है, तो फॉर्म निकल चुके हैं एंड मैं चाहूंगा कि आप सब लोग फॉर्म जरूर भरें, एक काफी अच्छा नंबर हो सकता है। एंड अगर आप लोग टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हो तो टेस्ट बुक से बेहतर है ही क्या टेस्ट सीरीज के लिए। ठीक है, सो गो टू द टेस्ट बुक एंड आप लोग वहां पर बहुत अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। इतना सा मुझे आप लोगों को सबको क्लैरिटी देनी थी एंड दिस इज ऑल अबाउट द क्लैरिटी जो मैं देना चाहता था आप लोगों को। थैंक यू सो मच।